बच्चों आवाज आ रही है? गुड यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। ईवीएस में कितना हो गया था? मैम ईवीएस मैम बता जाइए। बताओ मैम, हो गया था द ब्लू प्लैनेट अर्थ हो गया था मैम, और मैम 15 चैप्टर अराउंड यूनिवर्स आर यूनिवर्स। यस मैम। मैम बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर यूनिवर्स। आर यूनिवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होता है यूनिवर्स बताइए, किसी को पता है? नो मैम। मैम पूरा संसार। नो मैम। हाँ, पूरा संसार या ब्रह्मांड, जहाँ पर सारे इंसान अर्थ सब कुछ है। और हम लोग कहाँ रहते हैं बताइए? हम लोग अर्थ पे रहते हैं, और हम लोग आज पढ़ेंगे पूरे यूनिवर्स के बारे में, यानी कि अर्थ को लेके जितने सारे और दूसरे प्लैनेट्स हैं और क्या क्या चीजें हैं पूरे ब्रह्मांड में, उनके बारे में। किसको किसको जानना है हमारे यूनिवर्स के बारे में बताइए? कौन कौन जानना चाहता है? हाँ चलो देखते हैं क्या क्या है यूनिवर्स हमारे। तो देर आर मेनी वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स कॉल्ड प्लैनेट। आपको पता है कि पूरे यूनिवर्स में कई सारे बड़े बड़े प्लैनेट हैं। क्या है? प्लैनेट। तो ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें कई सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं, है ना? जैसे आर प्लैनेट। हाँ, आर यूनिवर्स इज अ वास्ट ओपन स्पेस व्हिच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एज मैटर और एंटर। हमारा जो यूनिवर्स हमारे वो बहुत बड़ा। स्पीकर ऑफ करो बच्चों, किसका स्पीकर ऑन? स्पीकर ऑफ करिए अपना। तो हमारा जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा सा, बहुत खुला हुआ सा, खूब बड़ा सा स्पेस है, और यहाँ पर कई सारे प्लैनेट्स हैं और कई सारे मैटर्स हैं, एनर्जीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में। फिर द सन प्लैनेट्स एंड देयर मून्स एंड द स्टार्स आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो सन, अर्थ और मून और स्टार्स और कई तरीके के जो प्लैनेट्स हैं वो सब हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है ना? अब देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। अभी तो हमने देखा यूनिवर्स, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा सा स्पेस है, बहुत खुला हुआ, और उसमें सारे प्लैनेट्स और कई चीजें हैं। अब देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। आप लोगों ने सुना होगा सोलर सिस्टम के बारे में। तो द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द प्लैनेट। अब सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन होता है और प्लैनेट्स होते हैं। जैसे द सन, सन के बारे में देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कई बार, लेकिन अब देखते हैं दोबारा सन के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद नहीं है। द सन इज आवर नियरेस्ट स्टार। आपको पता होना चाहिए कि जो सन होता है, सन मतलब सन मतलब सूरज। तो जो सन है वो भी एक तरह का क्या है बताइए? मैम स्टार। मैम स्टार। सन स्टार है ठीक। सन को भी हम स्टार ही, सन
सन जो है वो स्टार ही है, लेकिन इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस दैट गिव्स इट अस लाइट एंड हीट. अब ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ा सा बॉल है और इसमें कई तरह की गर्म गैसेस हैं, है ना, कई तरह की गर्म गैसेस हैं. तो इस वजह से ये हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, सन से हमें क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलता है ना. सन से हमें हीट और लाइट मिलता है, मिलता है. सन हमें क्या देता है, हीट और लाइट, लाइट. और ये क्या है, ये है सन. सन अभी जो लाइट है, अभी आप अगर घर के बाहर देख रहे होंगे तो अभी बहुत लाइट दिख रही है, लेकिन अभी हमें हीट नहीं मिल पा रही है. क्यों नहीं मिल पा रही है, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन. क्योंकि जो मौसम है, जो सीजन है, वो अभी कौन सा चल रहा है, सर्दियों का सीजन चल रहा है ना. हमने आपको क्या बताया था, सीजन कैसे चेंज होते हैं, बताइए मैम. रेवोल्यूशन की वजह से ना, जब अर्थ पूरा अपने एक्सिस से टर्न हो जाती है, तभी तो सूरज हमसे दूर हो जाता है, है ना. जहाँ पे जिस एरिया पे सूरज की लाइट कम होती है वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, जहाँ पे सूरज की लाइट ज्यादा होती है वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं. तो अभी हमारे जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पर अर्थ में, वहाँ पे लाइट ज्यादा आ रही है कि कम. मैम कम आ रही है, कम आ रही. तभी तो हमको कितनी ठंड लग रही है ना, हमने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, सूरज बाहर देखिए सूरज भी बहुत कम है, लेकिन इतना है कि लाइट हमें दिख रही है ना. अगर सूरज नहीं होगा तो हमें लाइट और हीट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. बिना लाइट के हम लोग रह सकते हैं. अगर आप सोचिए, इमेजिन करिए कि सूरज कहीं चला गया है, सूरज है ही नहीं स्काई में, सन है ही नहीं, तो क्या होगा, बोलिए. हाँ सन मैम, सन एकदम पूरा रोशनी दे रहा था मैम. हाँ तो बताइए बच्चों कि अगर सन नहीं होगा कभी तो क्या होगा, सन चला जाए कहीं तो क्या करेंगे, कैसा दिखेगा. हाँ एकदम अंधेरा हो जाएगा, सुबह होगी ही नहीं, और सुबह नहीं होगी तो हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे, कहीं भी बाहर जाना होगा तो कैसे जाएंगे, है ना. तो सन बहुत ही जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसके बाद इट इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. और पूरा जो सोलर सिस्टम है, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, उन सब का हेड कौन है, बताइए. सबसे मेन जो हेड होता है वो कौन है, सन, है ना. और सन हमें क्या क्या देता है, हीट एंड लाइट देता है. समझ में आ गया सन के बारे में. सबसे बड़ा स्टार है और सन ही पूरे सोलर सिस्टम का हेड होता है, और ये हमें हीट और लाइट देता है. अब प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं, प्लैनेट्स क्या क्या चीजें हैं. तो प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज विच मूव राउंड द सन. अब प्लैनेट्स जो है, यहाँ पे सन है और जो दूसरे प्लैनेट्स है वो सब जो है वो सन के अराउंड होते हैं, है ना. जो दूसरे सारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड होते हैं, और दे डू नॉट ट्विंकल एज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. अब इनके पास ये ट्विंकल नहीं करते, ये टिमटिमाते नहीं है, ये चमकते नहीं है, जगमगाते नहीं है. क्यों नहीं, क्योंकि दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. उनके पास उनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, है ना. इनके पास लाइट है खुद की, बताइए. नो मैम, इनके पास खुद की प्लैनेट. मैम सन थोड़ा थोड़ा, मैम सन थोड़ा थोड़ा उनको लाइट देता है. हाँ तो प्लैनेट के पास खुद की लाइट नहीं है, फिर दे डू नॉट ट्विंकल बट दे बाउंस बैक द लाइट ऑफ द सन. लेकिन ये जो सन है,
जो हेड ऑफ द प्लैनेट है ये सबको थोड़ी थोड़ी लाइट देता है। ये सारे प्लैनेट जो लाइट ये जब टिमटिमाते हैं, जब ये बाउंस बैक करते हैं लाइट को, कैसे करते हैं? किसकी लाइट से? सन की लाइट से। आपको पता है सन सबसे बड़ा है, तो सन के पास सबसे ज्यादा लाइट है। ये बहुत बड़ा सा लाइट का हीट का बॉल है, तो इन सभी प्लैनेट्स को थोड़ी थोड़ी लाइट देता है, तब ये सारे जो प्लैनेट है ये सब लाइट इनकी दिखती है ना। कैसी आवाज आ रही है बच्चों? अपना माइक म्यूट करिए। किसके तरफ से आवाज आ रही है? सुमन, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब कितने प्लैनेट्स है बताइए? 8 प्लैनेट्स है। 8? हाँ, कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। कौन कौन से? दे आर मर्करी है ना, मर्करी है, वीनस है, एंड बताते जाइए आप लोग, बोलिए। अर्थ है, फिर मार्स है। अर्थ के बाद क्या है? मार्स। मार्स है, फिर जुपिटर, फिर स्टेनर, मैम स्टेनर, सैटर्न है ना, फिर यस यूरेनस, यूरेनस, उसके बाद कौन सा है? नेपच्यून है ना। यस मैम। हाँ, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक याद रहेगा ना? कौन कौन से? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है ना। यस मैम। ये सारे प्लैनेट्स आप लोगों का होमवर्क है कि सारे प्लैनेट्स के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक? यस मैम। कितने प्लैनेट्स हैं सबसे पहले बताइए? कितने प्लैनेट्स हैं? मैम 8 हैं। 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स। और सब लोग बोलिए कौन कौन से हैं, सबको बोलना कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। करीब वीनस, जुपिटर, स्टेनर, यूरेनस एंड नेपच्यून। हाँ चलो, all these planets move around the sun in their fixed path, this movement is called revolution. ab in sab ka ek ek fixed path hai, samajh lijiye, theek, inka ek fixed rasta hai. ab isko mars ko agar sun ka chakkar lagana hai, mars agar sun ka revolution karega to kaise karega? apne hi axis par, theek, apne hi axis par jayega aur ghoom kar apne hi axis par aa jayega, samajh rahe ho? सब अपने ही अपने एक्सिस पर जाते हैं और सन का चक्कर लगा लेते हैं। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सब सन के राउंड घूमते रहते हैं, ठीक। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। हमने आपको बताया था जब सन का पूरा चक्कर लगा लेता है और या फिर कोई भी प्लैनेट, तो उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं, है ना काव्या? यस मैम। द मून, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मून के बारे में। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं सोलर सिस्टम यूनिवर्स के बारे में? बताइए। मैम समझ में आ रहा है। मैम समझ में आ रहा है। ओके चलिए, अब देखते हैं मून। द मून इज द क्लियरेस्ट थिंग सीन इन द नाइट स्काई ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आपने देखा होगा रात में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, पेड़ पे क्या है, जमीन पे क्या है, अंधेरा इतना रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक चीज होती है स्काई में जो हमें क्लियर दिखती है, वो क्या है? मून मैम। मून है ना। हाँ, रात में जो मून होता है वो हमें क्लियर दिखाई देता है। फिर इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जैसे हमने बताया था आपको सन का सब चक्कर लगाते थे ना, जैसे अर्थ सन का चक्कर लगाती थी, वैसे ही जो मून होता है वो किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का। अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाती है, लेकिन मून किसका चक्कर लगाता है? अर्थ, अर्थ है ना। हाँ,
So it is also called the natural satellite of the earth. अब मून को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबको याद होनी चाहिए, मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है ना? अर्थ क्या है? मून का नेचुरल सैटेलाइट है ना? सैटेलाइट क्या होता है बताइए बच्चों, किसी को पता है सैटेलाइट किसको कहते हैं? यस मैम, जो मैम स्पेस में मैम हम लोग को वो मैम देते हैं मैम नेटवर्क। वेरी गुड, मैसेज देते हैं, नेटवर्क देते हैं। तो जो हम, हमें मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, हमारे पृथ्वी पर मून से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आती रहती है, मून की वजह से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है ना। और जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, मून को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। ठीक, इसके बाद देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून। अब किस पे एयर और वाटर होते हैं कि नहीं होते हैं बताइए मून में? होते हैं मैम, नहीं होते हैं, नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते मून में। एयर और वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्थ में होता है कि नहीं बताइए? एयर और वाटर मैम अगर होता तो हम लोग मून पे भी रहते। हाँ वेरी गुड, तो हम अर्थ में, हमारे एयर भी है वाटर भी है तभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं ना। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि हमारा ही प्लैनेट ऐसा है जहाँ पर इतनी सारी अर्थ है और वाटर, सॉरी एयर है वाटर है, जिसके थ्रू हम लोग सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या चीज है। द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। आपने देखा होगा कि मून कभी फुल रहता है, कभी थोड़ा सा दिखता है, फिर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना। शेप जो है मून का वो चेंज होता रहता है। यस, द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। और जब मून का जो फेज, सॉरी शेप है, वो चेंज होता रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फेजेस ऑफ द मून। ये मून का फेजेस है ना, जब मून चेंज हो रहा। आप देखेंगे स्काई में, खुद आपने देखा होगा कि स्काई में हमेशा मून जो है वो एक जैसा नहीं दिखता, कभी थोड़ा दिखेगा, कभी 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 फुल दिखता है ना, तो उसको फुल मून कहते हैं। और ये जो शेप चेंजिंग है मून का, इसको हम लोग फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। द फेजेस ऑफ द मून डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट टू द सन एंड द अर्थ। अब सन और अर्थ से, सन और अर्थ से इसकी जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि मून का कितना शेप दिखेगा। मैम मुझे अब हम लोग देखेंगे क्या पता है बताइए साविया। मैम जैसे मैम सन की, मैम सन मैम मून को लाइट देता है तभी मैम इतना ज्यादा मून मैम वो होता है, मैम ग्लो करता है, लाइट देता है मैम। सन मून की अपनी लाइट नहीं होती है ना? नो मैम, मून की भी अपनी लाइट नहीं होती है मैम। सन सन के सामने रहेगा उतना उसको लाइट मिलेगा तभी मैम। इसीलिए उसका शेप जो है वो सन पे और अर्थ पे डिपेंड करता है। ओके यस। अब हम लोग देखते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स कितने प्यारे लगते हैं ना, आसमान में ट्विंकल करते रहते हैं। और हमारी एक पोयम भी थी ना स्टार्स के बारे में, कौन सी पोयम थी बताइए? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटिल स्टार, हाउ आई ट्विंकल लिटिल स्टार। मैम मैम हाउ आई वाज, मैम मैम मैम, चलिए मैम अब देखते हैं हम लोग स्टार के बारे में। अब देखते हैं स्टार। अ स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस व्हिच गिव्स आउट बोथ हीट एंड लाइट जस्ट लाइक द सन। आपको हमने अभी सन के बारे में आपने पढ़ा कि सन जो होता है वो लाइट और हीट देता है, लेकिन स्टार भी वैसा ही है। स्टार भी हमें हीट और लाइट दे, स्टार के पास भी खुद की हीट और लाइट होती है। ये भी एक प्रकार का बर्निंग गैस है ना। Yes, sir. They may be small, medium or large. Star आपने देखा होगा small होते हैं, medium भी होते हैं और large भी होते हैं। The sun is a medium size star. जो sun है वो एक medium star है।
और जो दूसरे स्टार्स हैं वो थोड़े से ज्यादा छोटे छोटे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, इसका रीजन किसी को पता है? शिवांश बताइए, स्टार्स हमें इतने छोटे क्यों दिखते हैं? वेरी गुड शिवांश, बिल्कुल करेक्ट। और बताइए रिया, आपको पता है साबिया इसीलिए दिखते हैं? शिवांश सही बता रहा है कि गलत? बताइए। मैम सही बता रहा है। सही बता रहा है। वी सी स्टार्स इन द ग्रुप इन द स्काई, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज। अब जहां पर ढेर सारे स्टार्स रहते हैं, ढेर सारे स्टार्स हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको हम लोग कहते हैं गैलेक्सी, है ना? स्टार जहाँ रहते हैं वो गैलेक्सी होता है, ठीक। उसके बाद देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। अब सोच लो यूनिवर्स में मिलियंस, मिलियंस पता है ना, लाखों की संख्या में कौन क्या होती है, गैलेक्सीज होती है। उसमें सोचो कितने सारे स्टार्स होंगे, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना बड़ा है। आप बताइए। मैम इससे ड्रॉइंग भी कर सकते हैं ऐसे जोड़ जोड़ के स्टार को। हाँ सही कह रहे हो। और जो स्टार्स होते हैं, शिवांश के बताने का मतलब है स्टार्स कई तरह के पैटर्न्स बनाते हैं स्काई में, तो उन पैटर्न्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो एक शेप बनाते हैं, है ना? तो सोच लो कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है जिसमें इतने सारे स्टार्स रहते हैं। अ गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ स्टार्स सीन एज ब्राइट बैंड इन द स्काई। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज, क्या है हमारी गैलेक्सी का नाम? मिल्की वे और आकाशगंगा। मिल्की वे है ना, जिसको हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं। तो हमारी गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे, जिसको आकाश गंगा भी कहते हैं। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स सीम्स टू फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। कई सारे ऐसे स्टार्स आपने देखा होगा आसमान में, मम्मी पापा ने कभी बताया होगा या कभी भी आपने देखा होगा, तो ऐसे करके एक ऐसे शेप होता है स्टार का, जिसमें सेवन स्टार्स का ग्रुप होता है ना, ऐसे 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 कुछ शेप होता है ऐसे, है ना? मैम इनको क्या कहा जाता है? इनको सर्पिल कहते हैं ना हम लोग। यस मैम। हाँ, अब आगे देखिए, जब पूछेंगे तब बताना। देर आर मेनी कॉन्स्टेलेशंस इन द यूनिवर्स, द ग्रेट बियर स्कॉर्पियन ओरियन एक्सेट्रा आर सम कॉन्स्टेलेशंस। और ये जो कॉन्स्टेलेशंस है कौन कौन से हैं? ग्रेट बियर स्कॉर्पियन, कई तरह के जो निशान है चिन्ह, वो सारे जो है वो स्टार के पैटर्न है, ठीक। तो सबको समझ में आ गया ये चैप्टर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना अच्छा है, सोचो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, हम लोग यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है, है ना? और यूनिवर्स के बारे में हर बात जान पाना बहुत ही इम्पॉसिबल एक तरह से कह सकते हो। अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो यूनिवर्स के बारे में कई सारी चीजें पता लगा रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज में, सुनते रहते होगा कि मार्स पर हम लोग मिसाइल भेज रहे हैं, या हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो किसी दूसरे प्लैनेट पर गए, वहां पर मिशन उन्होंने बनाया है ना, तो ये लोग क्या चाहते हैं? हाँ, कभी कभी जो मिशन होता है वो हो जाता है सक्सेसफुल, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगे रहते हैं यूनिवर्स की खोज करने, है ना साबिया? यस मैम। मैम बोलिए। टेलीस्कोप से मैम स्टार्स मून सबको देख सकते हैं ना? किससे? मैम टेलीस्कोप से। हाँ टेलीस्कोप से, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था ना कि एक व्यक्ति रहती है वो अपने फादर के साथ टेलीस्कोप से कुछ स्टार देखती है। आपकी क्लास में था ये चैप्टर? नो मैम, शायद आगे आपको पढ़ने को मिले। तो हाँ, टेलीस्कोप से हम लोग कई तरह की डिवाइसेस होते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे टेलीस्कोप होते हैं जिनसे एकदम क्लियर दिखाई देता है स्टार्स, है ना? तो कभी भी अगर आपको मौका मिले स्टार्स के किसी म्यूजियम में, वहां गए हो जो म्यूजियम है स्टार्स का, प्लैनेटोरियम आनंद में है ना?
मैम मैं म्यूजियम गया हूँ मैम मैं कहाँ पे मैम जो आनंद भवन में ना प्लैनेटोरियम जिसको कहते हैं वहाँ पे जो नहीं गया वो वहाँ जाइएगा मम्मी पापा के साथ बहुत ही पूरा मतलब जानकारी के बारे में हाँ जो नहीं गया है वो जाएगा तो स्टार्स के बारे में सारी जो जानकारी है आप लोग को दिखेगी आप लोग को एक कमरे में बैठा दिया जाएगा वहां पे सिर्फ स्टार्स पूरे ऊपर आपको सिर्फ स्टार्स स्टार्स ही दिखेंगे जितनी चीजें हैं प्लैनेट्स यूनिवर्स में सब दिखाई देगा जी तो कभी आप लोग को मौका मिले तो जरूर जाना अब एक्सरसाइजेस पे आइए टिक द करेक्ट ऑप्शन द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज बताइए The sun is a star. Correct. The natural satellite of the Earth is the moon. The heavenly bodies which moves around the sun are the planets. The face of the Earth is. ह्यूज बॉल ऑफ बताइए क्या क्या है सन किसकी बॉल है मैम गैसेस हीट लाइट अरे बर्निंग गैसेस द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस दैट गिव्स अस लाइट एंड हीट है ना यस मैम फर्स्ट वाले में भरोगे आप लोग गैसेस एंड जो दूसरे दो है उसमें लाइट और हीट भरना है नेक्स्ट देखिए द चेंजिंग शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड मून का जो चेंजिंग शेप है उसको क्या कहते हैं क्या है बताइए लाइट ना मैम क्या हो गया यहाँ पे बताइए साइलेंस फिल करिए अब द इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द प्लैनेट अर्थ अब प्लैनेट अर्थ का भी तो कोई नेबर होगा कई सारे कितने प्लैनेट्स है बताइए एट प्लैनेट्स है तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो अर्थ का नेबर है पड़ोसी है वो कौन है वीनस द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड बताइए साबिया जो सन का मूवमेंट तो आप लोग ने एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर्स दिए हैं यानी कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया है अब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उसका नाम क्या है डिस्कवरी ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ओके बोलो मैम ये बहुत चैप्टर पढ़ चुका हूँ डिस्कवरी ऑफ फायर बहुत अच्छी बात है चलिए बाय बाय बच्चों बाय मैम